हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम लोग कैसे जो टेबल है एचटीएमएल टेबल, इसे कैसे हम लोग हैंडल कर सकते हैं सिलेनियम के थ्रू। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड ज्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, जो पहले हम लोग करने वाले हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डेमो क्यूए के साइड पे आ चुका हूँ और यहाँ वेब टेबल का यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहले हम लोग ये आप लोग देख सकते हैं कि ये एक टेबल है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये टेबल का जो है ये साइज पता करने वाले हैं, कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, ये सारा कुछ हम लोग पता करने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग कोड लिखेंगे। तो बेसिकली चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो स्टेप है अपना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपना जो है एक्लिप्स ओपन कर चुका हूँ और यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट किया हूँ एलिमेंट वेब टेबल्स के नाम से, और ड्राइवर वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर चुका हूँ और मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ क्रोम ड्राइवर। ठीक है, अब इसके बाद से अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैं एक टेस्ट मेथड क्रिएट किया हूँ, टेस्ट एनोटेशन। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपना जो कोड है कोड लिखते हैं इसके अंदर। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग यहाँ पे भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसे टेस्ट इंजन में भी करने वाला तो साथ में साथ मैं यहाँ पे इसके अंदर ही लिख लेता हूँ। हालांकि जो मेथड मैं इसके अंदर लिखूंगा वो आप यहाँ पे भी डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें वेबसाइट ओपन करना है। तो हम क्या करेंगे, ड्राइवर डॉट गेट, और यहाँ हम लोग URL पास कर देंगे। और URL क्या है, ये है URL। तो हम ये क्या करेगा, ये पहले जाके ये जो वेब टेबल है वेब टेबल वाले साइट को ये ओपन करेगा। तो यहाँ पे हम लोग ओपन कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से ये इंटरफेस आ जाएगा। अब इंटरफेस आने के बाद हमें करना क्या है, हमें पहले फाइंड करना है साइज। ठीक है, तो साइज फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, वेब एलिमेंट चाहिए। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, इस पर राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट पे क्लिक कर लेते हैं। और जैसे ही इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसे कट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आ चुका है अपना पहला हेडर है। तो अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएं तो ये इसका क्लास है, ये पूरे को ले लिया। तो इसे हमें क्या पता चलेगा, ये कॉलम का साइज हमें पता चल जाएगा इससे। चले हम लोग इसे क्या करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग इस पर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करके हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हम लोग खुद से ही लिख लेते हैं। ठीक है, जो इसका एक्सपाथ होगा, एक्सपाथ हम लोग खुद से लिख लेते हैं। तो इसको हम लोग नीचे कर लेते हैं, या क्रोपाथ, अभी अच्छे से दिख रहा है। अब ये आया रो का है तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं रो का। तो ये क्या है, /div@role=, क्या है यहाँ पे रो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। रो जो है, ये रो टोटल एलिमेंट है आपके 11। ठीक है, हॉरिजॉन्टली ये 11 है। तो टोटल हम लोग यहाँ पे अगर आप इंक्लूड करते हैं इसे तो ये इंक्लूड करके ये है 11 एलिमेंट मैच कर रहा है। चलिए हम लोग सिंपली क्या कर लेते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं। या फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसे देखते हैं, हम लोग ये जो सिलेक्ट करेंगे, इससे अच्छा है कि अगर हम लोग ये सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रोल कॉलम हेडर। तो हम लोग कॉलम अगर हेडर को भी अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो इसे हमें पता चल जाएगा टोटल कॉलम का साइज। तो यहाँ पे हम लोग ये कॉपी कर लेते हैं और ये रो की जगह रिप्लेस करते हैं हम लोग, और यहाँ हम लोग करते हैं कॉलम हेडर। ठीक है, और यहाँ एंटर करते हैं। तो ये कितने टोटल एलिमेंट्स मैच कर रही है, 7। चले हम लोग इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद हमें क्या करना है, एक लिस्ट वेरिएबल डिक्लेयर करना है। लिस्ट वेरिएबल किस लिए डिक्लेयर करना है, क्योंकि देखिए ये क्या होगा, हम लोग अभी यूज करने वाले हैं फाइंड एलिमेंट्स का। तो ये फाइंड एलिमेंट्स क्या करेगा, ये सारे मैचिंग को है, ये सारे जितने भी वेब एलिमेंट है, ये सारे वेब एलिमेंट को वो स्टोर कर लेगा। और इसका साइज अगर हम निकाल लेंगे तो हमें इसका साइज, एक्चुअल साइज जो है ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले एक लिस्ट वेरिएबल ये करते हैं, इसको कर देते हैं हम लोग वेब एलिमेंट के नाम से, और यहाँ हम लोग दे देते हैं इसका कॉलम। ठीक है, इक्वस टू, अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स। फाइंड एलिमेंट्स क्योंकि आई होप क्लियर हो गया हो, क्योंकि देखिए मेन क्या है यहाँ, और वो मैं आपको समझा देता हूँ। फाइंड एलिमेंट्स इसके लिए, फाइंड एलिमेंट क्या करता है, वो पर्टिकुलर एक एलिमेंट को फाइंड करता है, लेकिन फाइंड एलिमेंट्स क्या करेगा, मल्टीपल एलिमेंट्स को फाइंड कर सकता है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, जैसे हम लोग फाइंड एलिमेंट्स करेंगे तो ये सारे को ये ले लेगा, लिस्ट में स्टोर कर लेगा, और स्टोर करने के बाद अगर हम लोग इसका साइज निकाल लेते हैं तो ये हमें आउटपुट दे देगा 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसे हमें पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 7। तो वही सेम चीज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तब यहाँ पे हम लोग करते हैं बाय डॉट एक्सपाथ, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं डबल कोट, और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ अपना जो है एक्सपाथ को, और यहाँ हम लोग कर लेते हैं सेमी कॉलम दे देते हैं। अब ये क्या होगा, कॉलम हेडर जितने भी हैं ये स्टोर हो गए हैं कॉल के अंदर। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट कॉलम इक्वस टू, यहाँ हम लोग लिखते हैं कॉल डॉट साइज। ठीक है, ये क्या करेगा, इसका साइज रिटर्न कर देगा, जो भी लिस्ट का साइज होगा लिस्ट का साइज रिटर्न कर देगा, कॉलम में स्टोर कर देगा। ठीक, ये तो हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग सेम वे में करना है रो भी फाइंड करना है।
तो यहाँ पे अगर आप रो देखते हैं तो अगर हम लोग हेडर हटा देते हैं तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रो जो है ये 10 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, नीचे टोटल 10 रो है यहाँ पे। और आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं ये टोटल नंबर ऑफ रो कितने हैं, 10। तो चलिए अब रो के लिए हमें क्या करना है, सिंपली हम लोग ऊपर चलते हैं और यहाँ पे हम लोग यहाँ एक किसी वैल्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं। और वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ अगर हम लोग सिलेक्ट करते हैं रो ग्रुप, ठीक है, तो रो ग्रुप को अगर हम लोग कॉपी कर लेते हैं और रो ग्रुप सेम तरीके से जैसे हम लोग कॉलम हेडर का किए थे वैसे ही हम लोग इसका भी करते हैं। चलिए पहले इसे डिलीट कर लेते हैं, डिलीट करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ देखते हैं हमारा रो ग्रुप, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 10 एलिमेंट मैच कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ जो रो है रो भी हमारे पास आ चुका है। तो हम लोग क्या करते हैं इसी को यूज कर लेते हैं रो ग्रुप को, और रो ग्रुप को हम यूज करके इसका साइज निकाल लेंगे। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद आ जाते हैं अपने एक्लिप्स पे, यहाँ हम लोग लिखते हैं लिस्ट वेब एलिमेंट और यहाँ पे हम लोग करते हैं इसको आरो में लिख लेता हूँ बस, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाय डॉट एक्स पाथ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ जो अपना एक्स पाथ है वो एक्स पाथ का वैल्यू यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ठीक है, ये हो गया अपने एक्स पाथ आ गए, सॉरी यहाँ पे और एक ब्रैकेट आएगा। ठीक है, ये आ गया एक्स पाथ का वैल्यू, यहाँ पे हमने डाल दी। अब ये क्या है कि ये रो में जितने भी वैल्यू हैं ये सारे स्टोर हो के आ गए हैं आरओ में। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ रो फाइंड करना है, तो रो का साइज फाइंड करना है ना। तो रो का साइज फाइंड करने के लिए हम लोग फिर करते हैं इंट, फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं आरओ डब्ल्यू रो इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिखते हैं आरओ डॉट साइज। ठीक है, अब यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं सिंपल मैसेज देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ हम लोग कर लेते हैं रो इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं प्रिंट कर देते हैं रो को, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं आर ओ डब्ल्यू प्लस स्लैश एन, यहाँ पे अब हम लोग को साथ में कॉलम भी प्रिंट करना है, कॉलम भी हम लोग प्रिंट कर देते हैं। अब यहाँ हम लोग लिखते हैं प्लस, फिर यहाँ पे हम लोग कॉलम। ठीक है, अब ये आ चुका है। अब हम लोग इसको एक बार रन करके देखते हैं कि ये सारा कुछ सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, सारा कुछ अभी हम लोग को पता चल जाएगा। चलिए हम लोग सिंपली इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस सेव हो गया, अब इसको रन कर। ठीक है, और जैसे ही रन करते हैं देखते हैं ये क्या आउटपुट आ रहा है हमारे पास, सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सारा कुछ अभी हमें पता चल जाएगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे ये हो चुका है, और यहाँ पे आप लोग देखें एक इशू था कि हम इशू नहीं था मतलब एक ये था कि हम लोग यहाँ पे बंद किए नहीं थे, तो हम लोग मैं सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे हम लोग हमेशा ड्राइवर डॉट क्विट लिखना ना भूलें ताकि ये सेशन को क्लोज कर दे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आउटपुट आया हुआ था इसका, एक सेकंड कहाँ गया, सो कंसोल पे अगर आप लोग देखें यहाँ तो ये क्या है, रो है 10 कॉलम है 7, और ये क्या है सक्सेसफुली पास हो चुका है। सो आई होप कि जो साइज है साइज फाइंड करना आपको आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे आ जाते हैं, अब यहाँ क्या करते हैं जितने जो वैल्यूज है ये वैल्यूज को हम लोग प्रिंट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू प्रिंट करना वाकई में बहुत ही आसान है। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास साइज है कॉलम का और रो का साइज है हमारे पास। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम लोग अपना लूप चलाएंगे यहाँ। सो फ्रेंड्स पहले हम लोग क्या करते हैं फॉर लूप स्टार्ट करते हैं, फोर इंट आई इक्वल टू 1 करते हैं, फिर आई लेस देन क्या होना चाहिए रो के साइज के साथ, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं रो, फिर यहाँ पे हम लोग करते हैं आई प्लस प्लस। ठीक है, हो गई। अब हम लोग फिर से सेकंड लूप में आएंगे, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट जे स्पेस होगा यहाँ पे इक्वल टू 1, फिर जे लेस देन इक्वल टू किससे होना चाहिए कॉलम से। ठीक है, कॉलम हो गया, फिर यहाँ पे हम लोग जे प्लस प्लस, यहाँ भी लेस देन इक्वल टू होगा। अब चलिए ये हो गया अपना फॉर लूप रेडी है। ठीक है, और फॉर लूप रेडी होने के बाद अब हमें पता कैसे चलेगा कि प्रिंट क्या करना है, क्या चीज प्रिंट करना है हमें। तो हम लोग यहाँ पे चलो प्रिंट का भी स्टेटमेंट लिख लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, लेकिन ये देखिए ये प्रिंट तो करेगा लेकिन क्या प्रिंट, यहाँ पे हम एल एन नहीं देते, थोड़ा सा ये कस्टमाइज कर लेते हैं और इसके बाहर हम लोग करते हैं, और ये क्यों दिया हूँ ये मैं बता दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन यहाँ डबल कोट। ठीक है, हम लास्ट में सेमी कोलन। अब देखिए चलिए अब बात करते हैं ये प्रिंट क्या करेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, हम लोग क्या करेंगे ये जो वैल्यू है ना ये वैल्यू को हम लोग लेंगे, लेकिन कैसे लेंगे हम लोग, यहाँ वेब टेबल के थ्रू हम लोग लेंगे, यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करेंगे इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट करने से ये आ चुका है यहाँ पे। अब यहाँ हम लोग यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, हम लोग राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद कॉपी, कॉपी के बाद हम क्या करेंगे इसका फुल एक्स पाथ हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अब फुल एक्स पाथ निकाल के यहाँ पे अगर हम लोग पेस्ट करते हैं तो ये क्या कर रहा है, ये पहला वैल्यू को सिलेक्ट किया है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखें
तो ये क्या है, पहला रो पहला कॉलम है, ठीक है। अगर हम लोग को दूसरा वैल्यू चाहिए तो हम क्या करते हैं यहाँ पे टू, अब टू एंटर करते हैं दूसरा वैल्यू आ गया। अगर वैसे यहाँ पे थ्री करते हैं तो फिर नेक्स्ट वैल्यू आ गया, तो ये क्या कर रहे हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वैल्यू कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं, ठीक है, तो इसे डिलीट करके अगर हम लोग टू करते हैं तो ये क्या करेगा, देखिए सेकेंड रो का थर्ड मतलब थर्ड कॉलम जो है, थर्ड कॉलम को ये सिलेक्ट कर लिया, ये हमारा जो है ये सही है। इसे हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं ड्राइवर डॉट फाइंड। अभी हम लोग को क्या करना है, फाइंड एलिमेंट, क्योंकि हमें एक एक एलिमेंट के साथ इटरेट करना है। तो हम लोग यहाँ लिखे बाय डॉट एक्स पाथ, फिर यहाँ पे हम लोग क्या करें डबल कोट, और यहाँ हम लोग अपना जो है ये पेस्ट कर दें, ठीक है। अब देखिए अभी तो हम लोग पेस्ट कर दिए, यहाँ पे हम लोग को और एक चीज यूज कर क्या करना है, डॉट गेट टेक्स्ट। गेट टेक्स्ट क्या करेगा, ये उसका जो भी वैल्यू होगा ये उसे फाइंड कर ले। लेकिन यहाँ हम लोग तो ये हार्ड कोड कर दिए टू और थ्री को, लेकिन हमें ये हार्ड कोड करना नहीं है, हमें क्या करना है यहाँ पे वैल्यू पास करना है रो का और कॉलम का। तो हम लोग रो का और कॉलम का वैल्यू पास करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो रो है हमारा आई है और कॉलम है हमारा जे, ठीक है। तो हम लोग आई और जे का वैल्यू पास करेंगे, तो यहाँ वैल्यू पास करने के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे डबल कोट दे देते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लस, फिर ये टू को हटाएंगे हम लोग और प्लस, फिर यहाँ हम लोग लिखेंगे आई, फिर डबल कोट सॉरी प्लस देंगे, फिर लिखेंगे हम लोग डबल कोट, हाँ ये सही है। अब डबल कोट यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमें फिर क्या करना है, यहाँ जे का वैल्यू देना है, तो यहाँ हम लोग फिर प्लस देंगे, फिर इसे डेल करेंगे, फिर यहाँ पे जे लिखेंगे और फिर यहाँ पे प्लस, फिर डबल कोट, ठीक है। तो आई होप ये आप लोग समझ गए होंगे, अगर आप लोग समझे नहीं है तो प्लीज़ आप लोग मतलब मैसेज कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, मैं आपको और भी क्लियरली आपको ये लाइन जो है ये समझा सकता हूँ उस समय, ठीक है। तो ये आ गया, अब इसको एक बार रन करके देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, लाइन बाय लाइन प्रिंट कर रहे हैं या नहीं। तो हमारा आउटपुट कैसा आना चाहिए, ये जैसे लिखा हुआ है इसी तरीके से अपना आउटपुट आना चाहिए। तो चलिए रन करके देखते हैं, तो मैं इसे पहले सेव कर लेता हूँ, सेव करके रन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सहरा वेगा 39, मतलब ये लाइन बाय लाइन सारा कुछ आ चुका है। अगर आप लोग यहाँ से देखें तो सहरा वेगा 39 ये सारा कुछ आ चुका है। अब हम लोग अगर यहाँ पे चाहें तो हम लोग यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं कि हम लोग लास्ट में जो है इसके एंड में, एक सेकंड में ये है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लास्ट में प्लस डबल कोट स्लैश टी, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा स्पेस दे देगा। तो अब इसको दोबारा से रन करके देखते हैं, और आप लोग देख सकते हैं ये वाकई में बहुत ही आसानी से, और ये अभी क्या किया क्लियरली आउटपुट आ चुका है हमारा, और ये देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। सो आई होप कि ये जो है आप लोग समझ गए होंगे, और वेब टेबल को कैसे हैंडल करते हैं ये भी आप लोग समझ गए होंगे। और चलिए मैं इसको प्रोग्राम को और एक बार गो थ्रू कर लेता हूँ। हम लोग सबसे पहले क्या किए, हम लोग वेबसाइट को ओपन किए, जो वेब टेबल वाले वेबसाइट को ओपन किए, उसके बाद से हम लोग को क्या करना था कि हमें कॉलम और रो का साइज फाइंड करना था। तो कॉलम और रो का साइज जो फाइंड करना था, तो हम लोग क्या किए यहाँ पे आए, यहाँ पे हम लोग ये जो कॉलम हेडर है, कॉलम हेडर का हम लोग साइज फाइंड कर लिए, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यूज किए फाइंड एलिमेंट्स। यहाँ पे अगर आप लोग देखें, एक सेकंड मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं आता हूँ कॉलम हेडर, ठीक है। अब ये क्या करता हूँ, ये कॉलम हेडर ये सारा तो कॉलम हेडर ही है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये कॉलम हेडर के थ्रू अगर हम मैं फाइंड करता हूँ, तो टोटल कॉलम हेडर जितने हैं ये सारे को मैं क्या किया लिस्ट में स्टोर कर लिया, लिस्ट में स्टोर कर लिया। अब स्टोर करने के बाद क्या किया, लिस्ट का साइज जो है हमें फाइंड कर लिया। अब लिस्ट का साइज फाइंड करने से क्या होगा, हमें जो कॉलम्स के साइज है ये हमें पता चल गया, ठीक है। सेम तरीके से हम लोग को क्या करना था, रो का भी फाइंड करना था। तो हम लोग रो का फाइंड करने के लिए रो ग्रुप जो था रो ग्रुप फाइंड किए, तो इससे क्या होगा इंडिविजुअल हर एक रो का जो है हमारे सारे कुछ वैल्यू इनपुट हो गया आरओ में। अब हम लोग क्या किया, आरओ डॉट साइज कर लिए, तो ये क्या होगा रो का जो साइज था मतलब जो रो का साइज है वो आ गया रो में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सिंपली प्रिंट कर दिए रो का साइज ये है, कॉलम का साइज ये है। उसके बाद से हम लोग दो फॉर लूप लिए, मतलब नेस्टेड फॉर लूप हम लोग इसके लिए ताकि हम लोग एक एक लाइन के थ्रू इटरेट करके हम लोग सारा कुछ प्रिंट कर सके। तो प्रिंट करने के लिए वैल्यू जो था यहाँ पे आप लोग देखते हैं एक जनरल जो सिंटेक्स था, जनरल सिंटेक्स हम लोग फॉलो किए, उसमें खाली हम लोग क्या किए आई और जे का वैल्यू हम लोग अपने हिसाब से डाल रहे, आई और जे का वैल्यू जो हम लोग अपने हिसाब से डाल रहे, तो ये सारा कुछ क्या कर रहा है एक एक करके वैल्यू सारा कुछ लेके आ जा रहा है। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो प्लीज मेरे चैनल पर आके आप लोग कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें एंड ज्यादा शेयर करें, हम लोग साथ बैठ के मैं आपको समझाऊंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।